अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर इटली। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है पहला ऑप्शन नॉर्वे। नॉर्वे जो कि एक यूरोप का कंट्री है, आप अगर यूरोप का देखो, यूरोप कॉन्टिनेंट, तो एकदम ये वेस्ट में पड़ता है नॉर्वे। इसको मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर की उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। राजनीति से, पंचायती राज से, लोक प्रशासन से, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ऑप्शन नंबर थर्ड, लोक प्रशासन। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध लोक प्रशासन से है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर की हॉकी मैच का एक हाफ कितने मिनट का होता है। 45 मिनट का, 40 मिनट का, 35 मिनट का और या फिर 30 मिनट का। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, ऑप्शन नंबर थर्ड, 35 मिनट। ठीक है, हॉकी मैच का एक हाफ 35 मिनट का होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने आप से ट्राई कर रहे होगे क्वेश्चंस को। देखिए मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, आप लोग क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर आप अपना आंसर बना सकते हो और फिर आप मैच करवा सकते हो कि आपका आंसर सही है फिर नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है, सड़नशील नहीं है प्राकृतिक तौर पे। जानवरों की अस्थियां, नायलॉन, चाय की पत्तियां या फिर ऊन। तो ये आपको पता होना चाहिए, सही आंसर है नायलॉन। नायलॉन क्यों, क्योंकि ये एक मैन मेड पॉलीमर है। अगर नेचुरल पॉलीमर होता तो वो प्राकृतिक तरीके से सड़ जाता है, लेकिन नायलॉन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड पॉलीमर है, तो ये प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है। सेकंड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत किशोर खाता है कितना। एक दिन में 1500 से अधिक कैलोरी, भोजन की लगभग 1200 कैलोरी, एक दिन में 2000 से 2500 कैलोरी के बीच, या फिर एक दिन में 3000 से 3200 कैलोरी के बीच। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है थर्ड ऑप्शन। एक जो नॉर्मल किड होता है वो एक दिन में 2000 से लेकर 2500 कैलोरी तक उसको रिक्वायरमेंट होती है। अगला है कि अकबर ने इनमें से किसका निर्माण नहीं किया था। पुराना किला का, आगरा किला का, इलाहाबाद किला का या फिर लाहौर किला का। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है पहला ऑप्शन, पुराना किला अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था, और बाकी के जितने तीन दिए, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर का किला, ये तीनों अकबर के द्वारा बनाए गए थे। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट कि निम्नलिखित में से कौन से डैम सबसे ऊंचा है, कौन सा बांध इनमें से सबसे ऊंचा है। सरदार सरोवर, हीराकुंड, टिहरी या फिर भाखड़ा। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का थर्ड ऑप्शन, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना है, वो सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ नंबर। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन बॉर्न टू बैट दी जर्नी ऑफ क्रिकेट्स अल्टीमेट सेंचुरियन के लेखक हैं। खालिद अंसारी, बोरिया मजूमदार, किरण नागरकर या फिर एड हॉकिंग्स। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का, पहला ऑप्शन खालिद अंसारी। अगला क्वेश्चन है लेड पेंसिल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या कहलाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि लेड पेंसिल में लेड नहीं बल्कि ग्रेफाइट होती है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के विकिरण के पैरा बैंगनी प्रकाश को डैश की परत द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है वो परा बैंगनी रेज, जिसको यूवी रेज बोलते हैं इंग्लिश में, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि पृथ्वी पे आने से रोक देती है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। अगला क्वेश्चन है ट्वेल्थ नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में वयोवृद्ध लोग सबसे अधिक अनुपात में पाए जाते हैं। नॉर्वे में, जापान में, बेल्जियम में, फिर स्वीडन में। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का सेकंड ऑप्शन, जापान। जापान का अगर आप देखो तो वहाँ पर वयोवृद्ध यानी कि जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन पाई जाती है, ठीक है, इस समय। जापान में इसका उल्टा है, लेकिन जो अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, विकासशीलता की बात करें, तो वो भी जस्ट उल्टा ही है अगर देखा जाए तो। ऐसे जवानों का क्या काम जो देश की आगे बढ़ने में काम ना आ सके। चलिए, जज्बाती नहीं होते। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इनमें से कौन एक कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, यानी कोल्ड ब्लडेड नहीं है। इनमें से मछली, मेंढक, मगरमच्छ, फिर कौवा।
तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ ऑप्शन, कौवा। तो कोल्ड ब्लडेड आपको पता होना चाहिए, जैसे कि छिपकली कोल्ड ब्लडेड होती है, और ये क्या होता है, ये जो सर्दियों में नहीं निकलते हैं, सिर्फ गर्मियों में ही निकलते हैं, तो उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कौवा कोल्ड ब्लडेड नहीं है, ये आपको गर्मियों और सर्दियों दोनों में मिलेगा। ठीक है, अगला है, अशोक चक्र किस बात के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शंस आप देख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके सही आंसर बताता हूँ मैं। सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, क्या है, जल थल या नभ में लेकिन रणभूमि से अलग, आत्म बलिदान की सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत में विकसित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को निम्नलिखित में से रोका जाता है, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है पहाड़ी इलाकों में, जब बारिश होती है तो सॉइल इरोजन होता है, तो उसको किससे रोका जाता है, वन रोपण से, वेदिका कृषि से, समोच्च रेखीय जुताई से, फिर उपरोक्त सभी से। सही आंसर क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी जितने तीनों दिए हैं, जैसे कि वन रोपण, वेदिका कृषि, समोच्च रेखीय जुताई, इन सभी से जो है सॉइल इरोजन को, यानी कि मृदा अपरदन को रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, वस्तुओं के किस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं शामिल हैं। बायोडिग्रेडेबल आपको पता होगा, जैसे कि अभी हमने बात किया था, जो खुद से सड़नशील हों, तो लकड़ी, घास, प्लास्टिक, जब अपना ऑप्शंस पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके मैं आंसर बताता हूँ। आंसर सही है इसका सेकंड ऑप्शन, लकड़ी, घास एवं चमड़ा। ठीक है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि दूध अपने पोषक गुणों की दृष्टि से अद्भुत होता है, लेकिन ये निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत तो नहीं है, कैल्शियम, आयरन, तांबा, सोडियम, आपका ऑप्शन है। सही आंसर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, आयरन। आयरन का ये मुख्य स्रोत नहीं है। ठीक है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, आयरन बहुत कम। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का है थर्ड ऑप्शन, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्टूबर को किस रूप में घोषित किया था। तो अक्टूबर किस रूप में घोषित किया था, तो सही आंसर है पहला ऑप्शन, स्तन कैंसर जागरूकता के रूप में, इसको यूएन ने, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र ने, इसको अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान क्या है, आगरा, झांसी, वाराणसी, फिर वृंदावन। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है थर्ड ऑप्शन, ना कि सेकंड ऑप्शन, झांसी की वो रानी थी लेकिन वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। अगला है 22 नंबर के, विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन का नाम क्या है। तो विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन का नाम, बहुत आसान क्वेश्चन है, सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, ओलंपिक खेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन आमतौर पर प्रस्तुति या स्लाइड शो तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आउटलुक एक्सप्रेस। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर से भी देखने को मिलेगा, पक्का ज़रूर देखने को मिलेगा, कंप्यूटर पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मैंने दूसरे चैनल पर डाली है, परमार एकेडमी पर मैंने बहुत पहले डाली थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं भी करवा पाता हूँ तो आप उस चैनल पर चेक कर सकते हो, लिंक उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड ऑप्शन, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को स्लाइड बनाने में तैयार किया जाता है, स्लाइड शो बनाने में, जो जैसे जो लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं, अब मैं तो स्लाइड शो का इसमें यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोग स्लाइड शो का भी यूज़ करते हैं वीडियो बनाने के वक्त, और वो होता है पावर पॉइंट के थ्रू। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके जेनेवा, वॉशिंगटन, वियना, या फिर लंदन। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन, वियना। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन से महाद्वीप में विश्व की आधी आबादी रहती है। ये क्वेश्चन मैं अपने दूसरे चैनल पर, अभी जब मैंने महाद्वीप का जैसे मैं बताया वीडियो दिया है आपको, उस वीडियो में करवा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि
कौन से महाद्वीप में विश्व की आधी आबादी रहती है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और 24 क्वेश्चंस में आप लोग कितने सही हुए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सभी लोग जितने भी आपके सही हों, ठीक है। और 25th क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा जो भी आपको आता हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ऐसी वीडियो चाहिए आपको, तो वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और हो सके तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।